आज हम बात करेंगे पोलन एलर्जी के बारे में। पोलन्स जो हैं वो बेसिकली पौधों से पैदा होने वाले एक ऐसी ख़ास मादा है जो बाहर के मौसम में पौधों के फूलों से पैदा होता है। इसका मकसद जो होता है वो पौधों की अफजाइश नस्ल होता है, लेकिन इसकी वजह से कई लोग जो हैं वो मुतासर होते हैं। इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बाकी शहरों की नस्बत पोलन ज़्यादा हैं। यहाँ पर मलबरी टी या शहतूत के दरख्त जो इधर प्लांट किया गया था, उसकी वजह से ये इनकी मकदार ज़्यादा है। इस एलर्जी की जो अलामात हैं उसमें छींकें आना, खांसी होना, हलक में खराश, नाक बहना और बाज़ शिद्दत की सूरत में सांस में दुश्वारी और दमे जैसी कैफियत भी तारी हो सकती है। एलर्जी जो होती है वो बाहर से आने वाली, जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल से आने वाली चीज़ें हैं जिनसे हमारा रابطہ होता है, उनसे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का बढ़ चढ़ के रिएक्शन करना, इतना रिएक्शन करना कि ना सिर्फ वो उन चीज़ों को जिस्म में जाने से रोके बल्कि अपने जिस्म को भी कुछ तकलीफ़ देना शुरू कर दे। इससे बचने के लिए आप जो ज़्यादा सरसब्ज इलाके हैं उनमें, ख़ास मार्च और अप्रैल के जो बाहर के महीने हैं उनमें जाने से अगर आपको एलर्जी है तो गुरेज़ करें। फेस मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो शीशे बंद करके गाड़ी ड्राइव करें, और अगर आपको एलर्जी हो रही है तो आप अपने मौलिज से मशवरा करके इसके लिए अदवियात भी ले सकते हैं, जिसमें एंटी एलर्जिक अदवियात हैं, बाज़ अक़ात स्टीरॉयड अदवियात का भी इसमें रोल होता है। कुछ लोगों को जिनको सांस में बहुत दुश्वारी है हो रही है, उनको फ़ौरन तौर पर नेबुलाइजेशन के ज़रिए दवा वाली भाप दी जाती है जिससे फौरी तौर पे सांस की बंदिश कम हो जाए। दूसरा हम काम ये कर सकते हैं कि इसमें अगर किसी को बार बार ये मसला होता है तो वो इनहेलर या पंप जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फौरी तौर पे सांस बहाल हो जाता है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर कौमी इदारा सेहत भी इसके ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन देता है, रिफासी टीके लगाता है, तो उधर से भी रुजू किया जा सकता है इससे बचाव के लिए। लेकिन जब ये कैफियत हो गई तो इलाज का मामला आ गया, और इलाज के लिए बेहतर यही है कि एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट एक मुस्तनद मालिक से ली जाए। सेहत आपकी जिम्मेदारी हमारी। डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल।